हाँ जी, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो से है बहुत अच्छे वीडियो है। अब देखो, सबसे पहले इसमें अपरेटस देखो कौन सा यूज हो रहा है, दिख रहा है सबको? सबसे हाँ जी सर, पहले क्या करते हैं, ये मेरिंग बैलेंस होता है, मतलब वेट चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये। क्लियर है? ये अपरेटस है इसमें। हमें अब हमें क्या करना है, स्पेसिमन। स्पेसिमन मतलब हमारा सैंपल। सैंपल इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने 5 ब्रिक्स रैंडमली स्टैक में से निकाल ली, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये उसके बाद इसका टेस्ट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर देखो इसका ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया, इस ब्रिक्स को क्या किया, अवन में रख दिया। क्लियर है? ये हाँ जी सर, इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अवन ट्राई करने के लिए इसको सैंपल जो हमने 5 ब्रिक्स के 5 ब्रिक्स ली उसको हमने अवन में लगा दिया। टेम्परेचर हमने किया 110 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। सर ये कितने टाइम के लिए रखते हैं? स्वर्ण देखो, थ्रेटिकली बोला जाए तो ये 48 घंटे के लिए रखा जाता है। अगर थ्रेटिकली मैं बात करूं 2 दिन, ठीक है, अगर ओके थ्रेटिकली बात करूं, पर इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास स्वर्ण। हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब घंटे 1.5 घंटे में निकाल देते हैं एक बार। ठीक है? ओके सर, वैसे अगर हम 24 घंटे 48 घंटे के लिए रखते हैं तो टेम्परेचर भी कम रखते हैं कि उतना ही 110, होता एक है? सौ दस, 110, 110, 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, हमने रूम बाहर निकाल लिया अवन से। अब अवन निकालने के बाद इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया सिंपल। अब इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो आंसर नॉर्मल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। क्लियर है? यस सर, बट ये सर। ब्रिक्स तो पहले ही बेक दी थी, तो बट इन्होंने इसमें, फिर से अवन में क्यों डाल दी? अरे स्टूडेंट, हम इसको बेक थोड़ी कर रहे हैं, हम इसको ड्राई कर रहे हैं। ब्रिक हमारी साइट से, हमने ब्रिक ली है साइट पे, बनी बनाई ब्रिक है पूरी पूरी। बेक, बेक नहीं बोलते उसको, ड्राइड बोलते हैं। बेक स्टूडेंट, बेक वर्ड गलत है। उसको हमने ड्राई, ड्राइड सर ब्रिक है। उस ब्रिक को हमने टेस्ट करना है वो कितना पानी अब्सॉर्ब करती है। तो उसमें अगर कोई पहले से मॉइस्चर रहा होगा, उसको उड़ाने के लिए हमने क्या करते अभी हैं, उसको इसको अवन में लगाते हैं तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसको हीट करते हैं, ड्राई करते हैं। ओके सर, परेशानी इसको हम ईट, हम ईट बना नहीं रहे, हम बनी ईट का वाटर अब्सॉर्प्शन चेक कर रहे हैं। ओके ओके सर, कन्वर नो म्यूट कर दो। रुको एक मिनट, कन्वर को पहले भी मैंने बोला, रुको कन्वर काट दो सर, रहना। नहीं, फालतू नहीं किसी ने पा करनी। कन्वर्जन हुआ, अपने आप ही हो गया। क्लियर है? अब बंद है। अब यस देखो सर, अभी हमने क्या करा है, हमने ईट ली, इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर 5 ईटें ली, उसको अवन में रखा, अवन से अवन को 110 डिग्री सेल्सियस पे हमने मेंटेन करा टेम्परेचर। थ्रेटिकली 2 दिन के लिए रखा जाता है, पर सूख जाती है, हम जल्दी उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमने उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। क्लियर है? अभी तक इतना काम करा है। यस सर, हाँ जी सर, अब हमने ईट का वेट करना है। अब ये जो वेट हम कर रहे हैं ये है W1, मतलब ये अवन ड्राई ईट का वेट है, W1 W1। यस सर, अवन ड्राई। अब देखो कली कली ईट को कर रहे हैं तो ये अकेले अकेले ईट का करेंगे। सैंपल सबका प्रोसीजर सेम ही है, चाहे एक से कर लो, 5 से कर लो, स्टैंडर्ड ये है कि 5 से किया जाता है। ओके सर, अब ये देखो अकेली अकेली ईट का, ये अवन ड्राइड ईट है, ब्रिक्स है जो है W1, उसका वेट कर रहे हैं ये। हमारे कॉलेज में भी ऐसा वेइंग बैलेंस है, हम उसपे कर लेते हैं, और हमारे कॉलेज में भी अवन है, हम उसमें हीट भी कर लेते हैं। सर हमने डायरेक्ट जब हमने हीट कर ली थी ब्रिक, हमने डायरेक्ट उसको उसका वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि एयर में भी तो मॉइस्चर होता है। सुवर्ण देखो, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, हमने जो भी काम करना है रूम टेम्परेचर पे करना है। जो ब्रिक्स हैं उसको रूम टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर ला के ही उसको वेट करना है। ओके सर,
सर उसको फिर थोड़े टाइम के लिए रखना भी तो होगा। जब हमने उसको ओवन से निकाला उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद उसको वेट करेंगे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, एग्जैक्ट होता है 2 से 3 घंटे, पर अगर आप आधे घंटा भी रख लोगे पंखा चला दोगे तो भी बात बन जाती है। ओवन ड्राई मतलब उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, रूम टेम्परेचर मतलब 27 से 30 के बीच में डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक आ जाए, 27, 30, 32 इतना हो जाए। क्लियर है? आगे चलाऊं? हाँ जी सर। अब ये कर रहे हैं इन्होंने अकेले के लिए हीट का क्या किया, W1 ओवन ड्राई का सैंपल का जो है वो वेट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको पानी में इमर्स करेंगे, पानी में इमर्स करेंगे 24 घंटे के लिए। पहले इसका वेट नोट कर लो, ये वेट आ गया W1 ओवन ड्राई ब्रेक्स, कली कली ब्रेक का वेट लिखा हुआ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसको हम इमर्स करेंगे वाटर बाथ के। देखो अगर आपके पास ये अपरेटस नहीं है, ये अपरेटस हमारे कॉलेज में नहीं है, ये वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ मतलब इसके अंदर पानी का हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर सिंपल बकेट में भी पानी डाल के रख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब हमने इन ब्रिक्स को 24 घंटे के लिए पानी में इमर्स करके रख देना है, पानी में डुबो के रख देना। सर वैसे तो ये नॉर्मल वाटर में भी रखते ही है। हाँ हाँ, बस टेम्परेचर आपका वही 27 डिग्री से 30 के बीच में होना चाहिए रूम टेम्परेचर पानी का, ना गर्म ना ज्यादा। इसमें फर्क क्या पड़ जाता है, इसमें फर्क क्या हो जाता है अगर हम इसमें बाथ में रखें और नॉर्मल में रखें? कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, बस ये है कि इसमें थोड़ी ज्यादा क्या कहते हैं हमारी अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर हम सिंपल बाल्टी बुल्टी पे रख लेंगे, बकेट में रखेंगे, उसमें इतना हमारा इफेक्टिवली एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ता। टेम्परेचर ये टेम्परेचर इसके अंदर टेम्परेचर हम एडजस्ट कर देते हैं कि 27 डिग्री का टेम्परेचर हमने पानी का एडजस्ट कर दिया, उसके अंदर ब्रेक इमर्स करके रख दी। अगर हमारे पास सिंपल कोई बकेट भी है तो हम उसके अंदर भी रख सकते हैं, इसको हम कवर भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऊपर से कोई चीज डल नहीं सकती या इसके अंदर साफ तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है। अगर हम सिंपल बकेट में भी कर लेंगे उसमें ये होता है कि कोई चीज डल गई ऊपर से या कुछ हो गया, हिल गई बकेट, किसी ने गिरा दी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो बस यही फर्क है। इस ऑपरेटर इसमें कर लो, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर होता है, ये वाटर बाथ कहते हैं इसे। नहीं तो अगर हमारे पास नहीं है ये तो हम सिंपल बकेट में भी डाल के कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। बस ये है कि बकेट का पानी जो है बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेगुलर 27 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इस वाटर बाथ में भी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री ही मेंटेन करते हैं ये। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। चलाऊं आगे? यस सर। अब देखो अब इसके अंदर देखो आपको दिख रहा है थोड़ा सा पानी अब्सॉर्ब हो रहा है, बुलबुले बन रहे हैं, बबल्स थोड़े थोड़े अगर ये अब देखो बिल्कुल सूखी ईट हमने 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसको ड्राई करके जब हमने इस पे रूम टेम्परेचर पे लाके इसको इमर्स करा तो उसके अंदर पानी अब्सॉर्ब होता है। ये हर ब्रिक की टेंडेंसी होती है क्योंकि ब्रिक के अंदर वॉइड्स होते हैं, क्ले की बनी है तो पानी उसने अब्सॉर्ब करना ही करना है। हाँ जी। अब देखो हर ब्रिक को निकाल के इसको डैम्प क्लॉथ से वाइप ऑफ कर देंगे, वाइप ऑफ का मतलब इसको क्लीन कर देंगे, जो भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देंगे ऊपर से। सर वैसे पानी की अब्सॉर्प्शन 20% होनी चाहिए ना? हाँ, अगर आपकी फर्स्ट क्लास ब्रेक है तो 20% तक होनी चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास ब्रेक है तो 20%, अगर सेकंड क्लास है तो 22% तक, थर्ड क्लास है तो 25%। ठीक है सर। अभी एक सिंपल काम कर रहे हैं कि सबको वाटर बाथ से निकाल रहे हैं जो हमने 24 घंटे के लिए, ये 24 घंटे के बाद हमने निकाली है। सर जब हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं सर तब भी हम इनको गीली करते हैं सर, वो क्यों करते हैं? सीमेंट वो इसलिए करते हैं ताकि वो जो सीमेंट मोर्टार जो सीमेंट मसाले से
जो सीमेंट मसाले से ब्रिक जुड़ती है ना, है ना, तो यस सर, तो ब्रिक की टेंडेंसी क्या है, ब्रिक में वॉइड्स है, वॉइड्स ने क्या करना है, उस सीमेंट मोर्टार से पानी खींचने की कोशिश करनी है, क्योंकि सीमेंट मोर्टार में भी पानी डाला जाता है ना, सीमेंट सैंड और पानी, तो अगर उसका पानी कम हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए हम पहले ही गीली करके ईंट लगाते हैं ताकि वो पानी ना खींचे। ओके सर, बट थोड़े बहुत उसके वो पोर्स तो खुले रहते होंगे। हाँ जी स्टूडेंट, अब थोड़े बहुत इतना तो होता ही है स्टूडेंट, प्रैक्टिकली तो वर्कमैनशिप के ऊपर है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम कंट्रोल टेम्परेचर पे ही हमने दीवार बनानी है, रूम टेम्परेचर पे ही हमने दीवार बनानी है, बिल्कुल उसमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अब इतना तो डिफिकल्ट हो जाता है ना फिर साइट के ऊपर। ओके सर, ओके सर। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अब ये, अब इस ब्रेक को दोबारा वेट कर रहे हैं, अब ये जो वेट है ये ब्रेक का कब हमने किया, जब उसको 24 घंटे पानी में इमर्स करने के बाद, मतलब जब ये वेट जो है इसके अंदर ब्रेक का ओवन ड्राइड ब्रेक प्लस वाटर एब्जॉर्ब, ये दोनों का वेट इकट्ठा आ रहा है ना, पानी एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर। हाँ जी सर, तो इसको हम डब्ल्यू टू कह लेते हैं। हाँ जी सर, वेट से भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अब्सॉर्प्शन हुआ है, किससे वेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, पानी कितना अब्सॉर्ब किया है ब्रिक ने, क्या बोल रहे हो दोबारा पूछो, नहीं पता लगा, वेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना अब्सॉर्ब किया है ब्रिक ने वाटर। हाँ तो अब हम वही कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी मैं अभी इसी कैलकुलेशन बताता हूँ, कैलकुलेशन में वेट ही यूज करना है हमने। हाँ जी वही कह रहा हूँ, अभी अभी तो आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ना, अभी कैलकुलेशन पार्ट अब नेक्स्ट देखेंगे, क्लियर है। अब इन्होंने केले के लिए ईंट का वेट कर लिया, इसको हमने वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड ब्रिक्स, मतलब इसके अंदर पानी भी एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, तो वो वाली ईंट का वेट क्या है, डब्ल्यू टू केजी में। हाँ जी क्लियर है सबको ये चीज। हाँ जी सर, यस सर। अब पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ उसका फार्मूला, उसका फार्मूला अब आगे आएगा देखना, जो हमने निकालना है अल्टीमेटली। 500 टू 600 ग्राम्स बढ़ गया है वेट। अभी रुको, अभी आप देखो आराम से। ओके सर, अभी इसका दिखाएंगे, फार्मूला भी दिखाएंगे, ये फार्मूला क्लियर है सबको ये। हाँ जी सर, ये फार्मूला वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज में W2 माइनस W1 बटा W1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। W2 इसमें क्या है, जौन सा वेट ऑफ द ब्रिक आफ्टर इट इज इमर्स्ड इन वाटर 24 आवर्स, मतलब वाटर एब्जॉर्ब्ड ब्रिक्स जिसके अंदर पानी भी है और ब्रिक भी है, उसका जो वेट है वो है W2, और जो W1 है वो क्या है, ओवन ड्राइड ब्रिक जो हमने पहले शुरू में ओवन में ड्राई करी थी उसका ब्रिक जो हमने वेट करा था वो W1 है, तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्रिक। क्लियर है? यस सर। बाकी को क्लियर है?